हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका मेरा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं एक खतरनाक स्कैम के बारे में आपको बताने वाला हूं। वैसे तो इस स्कैम के बारे में मैंने पहले भी सुन रखा था और मैंने सोचा था कि इसके ऊपर मैं कभी ना कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे लगा कि अब इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपके साथ जल्दी स्कैम नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं हर तरह के स्कैम के बारे में आपको बताता रहता हूं। कोई भी डाउटफुल ऐप उसके बारे में आपको बता देता हूं ताकि आपके पैसे ना फंसे, और अगर आप नहीं देखते तो आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए मैं बताता हूं कि किस तरीके का स्कैम है और इससे क्या क्या हो सकता है, तो सारी चीजें बताऊंगा। प्लीज शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों ये जो स्कैम है ये एक पार्सल डिलीवरी स्कैम है। अब इसमें जो स्कैमर्स होते हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, यानी कई स्कैमर्स होते हैं जो कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों इस स्कैम में स्कैमर्स बताते थे कि वो अंधेरी पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आरबीआई ऑफिशियल्स हैं, महाराष्ट्र नारकोटिक डिवीजन से बोल रहे हैं और कस्टम डिटेक्टिव हैं। तो ये सबका नाम लेकर डरा धमका कर लोगों से इन लोगों ने पैसे लूट लिए। अब इस इंसिडेंट को सबसे पहले एक ट्विटर यूजर जिनका नाम गिद्धकर रुस्तगी है, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद अब एक नई घटना आई जिसमें एक डॉक्टर के साथ लूट हो गई है ऑनलाइन और करीब 4.5 करोड़ रुपए की लूट हुई है, उन्हें लूट लिया गया। अब पूरी घटना जानते हैं कि इस डॉक्टर के साथ क्या हुआ। एक कॉल आती है इस डॉक्टर के पास और कहा जाता है कि उनका फेड एक्स पार्सल पकड़ा गया है इलीगल काम में। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप एक नंबर डायल करिए। उसके बाद ये जो कॉलर है वो सारी चीज बताता है, कहता है कि आपका जो पार्सल पकड़ा गया फेडएक्स का, अब ये जो फेडएक्स है ये एक शिपिंग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब हो सकता है फेडएक्स का नाम ना हो, कुछ अलग नाम ले लिया जाए जो इंडिया में कुरियर कंपनी चलती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोई भी कुरियर कंपनी या शिपिंग कंपनी या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का ये नाम ले सकते हैं। तो इन लोगों ने फेडएक्स का नाम लिया और कहा कि एक पार्सल पकड़ा गया है आपके नाम से जिसमें आपका पासपोर्ट है, बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 जोड़ी जूते हैं, कपड़े हैं और यहां तक 25,000 ट्रांसफर किया गया आईसीआई क्रेडिट कार्ड की मदद से, और यह भी बताया कि 140 ग्राम एमडीएमए ड्रग पकड़ा गया। अब यह सुनकर विक्टिम कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं है इससे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके बाद ये लोग कहते हैं, कॉलर कहता है कि आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी, आपको अंधेरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी पड़ेगी। आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ऑनलाइन कंप्लेन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको स्काइप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद विक्टिम वैसा ही करता है जैसा ये बताते हैं, क्योंकि विक्टिम डर गया था और उसने स्काइप एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फिर एक प्रोफाइल आईडी जो अंधेरी ईस्ट साइबर क्राइम के नाम से थी उससे बात करी गई। उसमें एक लेडी होती है और वो बताती है अपने आप को इंस्पेक्टर, और वो बात करती है और बातचीत के दौरान वो ऐसा दिखाती है कि उसने एक इंसान से बात करी और पूछती है कि इनकी आधार आईडी कहीं मिसयूज तो नहीं हुई है। तो फिर उधर से आवाज आती है कि 23 बैंक अकाउंट बनाए गए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो ये इस तरीका से दिखाया जाता है, डराया जाता है। उसके बाद अगर विक्टिम कहता है कि नहीं मैं नहीं इसमें शामिल था, तो वो लोग ये कहते हैं कि अब मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन होगी और आपका बैंक अकाउंट चेक किया जाएगा, इसके लिए आप अपना बैंक अकाउंट बैलेंस का स्नैपशॉट भेजिए, अपना फाइनेंशियल डिटेल्स बताइए। तो विक्टिम डर के मारे ये सब चीज करता है जैसा वो बताते हैं, उसने स्नैपशॉट भेज दिया था। तो उसके बाद ये कहते हैं कि जो आपकी एफडी है उसको आप तोड़िए, क्योंकि जो भी पैसा है आपके पास सब सीज होगा और वेरीफाई होगा, आरबीआई अकाउंट में भेजा जाएगा, अगर सब चीज सही रहा तो वो वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद एक अलग स्काइप आईडी से बात करी जाती है और वो लोग बताते हैं कि वो आरबीआई ऑफिसर है। अब वो लोग का क्या काम है, वो लोग का काम भी यही है कि डराना। पहले तो इन लोग ने पूरा बैंक अकाउंट बैलेंस फाइनेंशियल डिटेल से जान लिया कि इस आदमी के पास कितने पैसे हैं, तो कैसे कैसे इनको बेवकूफ बनाया जाएगा और जाल में फंसाया जाएगा। उसके बाद आरटीजीएस फॉर्म भराने के लिए कहा जाता है और फिर एक कंप्लेन लेटर भेजा जाता है कि आरबीआई ने कंप्लेन करी थी, मुंबई पुलिस लिखा रहता है ताकि आप डर जाए। तो इस तरह से विक्टिम के साथ किया गया। फिर उससे कहा गया कि अब जो पैसा है वो 1 करोड़ रुपए आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वैसा ही विक्टिम ने किया डर के मारे। उसके बाद 90 लाख करवाया गया। अब उसके बाद क्या कहते हैं ये लोग, उसके बाद कहते हैं कि ऐसा है कि जो ज्वाइंट एफडी है आपके हस्बैंड के नाम से,
उसको भी आप तोड़ के भेजिए। अब जो पैसा जा रहा है वो आरबीआई अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है, आरबीआई अकाउंट नहीं होता, आरबीआई नाम से वो अकाउंट होता है, ऐसे दिखाया जाता है कि वो आरबीआई अकाउंट दिखे आपको। तो अब कहा जाता है कि आप अगर किसी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो भी फंस जाएंगे, तो इनसे ना बताइएगा। तो इस तरीका से डराकर फिर वो जो डॉक्टर होती है वो अपने हस्बैंड से साइन करा के जो ज्वाइंट एफडी है उसको भी तोड़वा कर पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरीका से डरा धमकाकर पैसा ट्रांसफर कराया जाता है, और ये सब करवाने के लिए डराया धमकाया जाता है कि आप अरेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी जो रेपुटेशन है डॉक्टर की वो खत्म हो जाएगी। तो ये बात बाहर ना आए इसलिए आप ये करिए। तो वैसा ही विक्टिम करता है। तो जब सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो इनसे ये कहा जाता है कि अब आप बैठकर वेट करिए आरबीआई के क्लियरेंस का, और जो आपकी आधार आईडी है उसको परमानेंटली डिसेबल कर देते हैं और एक नई आधार आईडी आपको दी जाएगी। उसके बाद विक्टिम को लगता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है तो उसका पैसा तो वापस आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐसा होता नहीं। उसके बाद विक्टिम को दो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि उनका अकाउंट ऑर्डर में है और कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं पाई गई है। और फिर जितने भी लोग होते हैं अंधेरी पुलिस स्टेशन के नाम से, आरबीआई ऑफिशियल के नाम से, सब गायब हो जाते हैं। अब विक्टिम को पता लगता है कि उसके साथ हो गया है फ्रॉड, क्योंकि पैसे तो वापस आए नहीं अगर सही है तो उसको पैसे नहीं मिले तो उसको समझ में आ गया कि ये फ्रॉड हुआ। फिर उसने कंप्लेन करी तो तब ये पूरा मामला खुल के आया। तो दोस्तों देखिए किस हद तक स्कैमर जा रहे हैं आपको डराकर धमकाकर, ये आपका पैसा लूट लेते हैं क्योंकि ये डर का बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसको लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि ये चीज हो रही है और जब ट्रेंडिंग करने लगती है तब आपको पता लगता है। तो ये ना हो इससे पहले मैंने ये वीडियो बना दी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, कोई कॉल आती, कोई भी कुरियर कंपनी का, शिपिंग कंपनी का नाम लेता है, तो सबसे पहले आप उसको कॉन्टैक्ट करिए। अगर फेडएक्स के नाम से आता है तो नीचे दी गई स्क्रीन पे जो नंबर, उस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट करिए कि क्या ऐसा कुछ केस है, या फिर आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉन्टैक्ट करिए कि क्या ऐसा कुछ केस है, अपनी पूरी चीज बताइए ताकि पता लग सके कि ये स्कैम है कि वाकई में ऐसा आपके साथ हो रहा है। क्योंकि लोग इस तरीके से कर रहे हैं, स्कैमर इस तरीके से कर रहे हैं, आपका बैंक लूटा जा सकता है। अगर आपके बैंक में लाखों हैं तब भी लूट जाएंगे, करोड़ों तब भी लूट जाएंगे अगर आपने ऐसी गलती करी। तो आप कॉन्टैक्ट करिए कंसर्न अथॉरिटी से कि ऐसा आपका केस हुआ है कि नहीं, वरना आप फंस जाएंगे। ये सारा काम ऑनलाइन होता है। और इन लोगों ने जानते हो क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि अब आप अपना स्काइप इंटरेक्शन, मतलब जो बातें हुई उसको डिलीट कर दीजिए, ये कहा। इसका मतलब क्या है कि सारे सबूत डिलीट करो ताकि हम पकड़े ना जाएं। तो दोस्तों यही आपके साथ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर एक जानकारी दे रखी है आपको। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे, अगर वो फंसने वाले तो ना फंसे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें जरूर से, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।